भाई यहाँ पे फाइनली फ्री फायर का इवेंट्स एंड अपडेट बहुत सारा निकल के आ चुका है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो हमारा वेपन रॉयल है इसके अंदर कौन सा गन स्किन्स आने वाला है, क्योंकि वेपन रॉयल के लिए बहुत सारा गन स्किन्स निकल के आ चुका है। तो कौन सा गन स्किन्स देखने मिलेगा 100% कन्फर्म वाला वेपन रॉयल के लिए जो हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल है उसके अंदर कौन सा गन स्किन्स आ रहा है वो आपको इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। उसके अलावा 7th एनर्जी स्पेशल जो कि गोल्ड रॉयल निकल के आ रहा है, मतलब स्पेशल 7th एनर्जी स्पेशल गोल्ड रॉयल आ रहा है जिसके अंदर से क्या कुछ रिवॉर्ड रहेगा, क्या बंडल रहेगा, वो सारा कुछ आप लोगों को पता लग जाएगा। हाँ जी गाइस, इसके अलावा भी काफी सारा इवेंट्स एंड अपडेट है जो कि हमारा टू नाइट अपडेट के बारे में आप लोग पता लगेगा। ओबी के अपडेट के बाद इतने सारे न्यू चीजें आ रहा है, करेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आ रहा है, तो सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर पता लगेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा कैलिसो आ चुका है, इसके अंदर क्या कुछ आने वाला है अब चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जैसे अपडेट कर लोगे तो आप लोग को बैटल रॉयल के अंदर कुछ इस तरीके से भाई ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अब ये क्या है तो देखो यहाँ पे जगह जगह पे आप लोग को मार्क देखने को मिल रहा है, इसके जगह आसपास जो कि आपको टेलीपोर्ट वाला ऑप्शन देगा, जैसे दबाओगे ऊपर आ जाओगे, वही है जो आप लोगों ने नीचे से देखा था ना उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन इधर ड्रोन फोड़ना पड़ेगा, एनिमी भी आ सकता है इसके अंदर तो बच के रहना पड़ेगा। उसके अलावा रिवॉर्ड में जो कि आप लोगों को ये जो देख पा रहे हो ग्लाइडर मिल जाएगा उस तरीके से मिलने वाला है। उसके अलावा हॉल के अंदर आओगे इधर जो कि आप लोगों को गन जो कि मिलेगा, अब ये इनमें से गन चूज करो, उसके बाद जो कि नीचे आप लोग आ जाओगे और एनिमी को खलास करो। तो ये जो कि गाइस हमारा बैटल रॉयल जो बीआर रैंक है इसके अंदर देखने मिलेगा। और सीएस के अंदर क्या है, सीएस के अंदर ऐसा चेंजेस किया जाएगा, ये तो आप लोगों को बीआर और सीएस दोनों के अंदर मिलेगा, लेकिन इधर जो कि आप लोगों को राउंड 5 मिलेगा। राउंड 5 के अंदर जो कि मिनी मैप देखने को मिलेगा जो कि हमारा पिक का, तो पिक का मिनी मैप रहेगा भाई। और जो कि देख लो जैसे बुआ होगा कुछ इस तरीके से एनिमेशन आएगा, तो ये तगड़ा रहने वाला है मिनी मैप जो कि आने वाला है भाई सीएस के अंदर। आप लोग मिनी मैप के अंदर भी आपको खेलने को मौका मिलेगा, मतलब एनमी को मारना पड़ेगा, मिनी मैप देखने को मिलेगा। और अपडेट के बाद जो कि आप लोग को एफएफपीपी मोड भी देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोग को कैरेक्टर नहीं दिखेगा, सिर्फ जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो गन जो है ना वो दिखेगा, मतलब इससे आप लोग बहुत ज्यादा जो कि एक्यूरेसी हेड पे मारने का प्रैक्टिस भी कर सकते हो और ये सब जो है अब बढ़ जाएगा। और ये वाला एफएफपीपी मोड भाई देख ही पा रहे हो ये आने वाला है। इसके अलावा गाइस आप लोग जो सेंसिटिविटी है इसके अंदर भी आप लोगों का जो कि चेंजेस किया जाएगा, फर्स्ट पर्सन व्यू वाला जो कि एक न्यू ऑप्शन आने वाला है सेंसिटिविटी के अंदर। इसके अलावा जो हमारा सीएस का रैंक सेक्शन है इसके अंदर जो कि प्रोडक्शन स्टार को अपग्रेड कर दिया जाएगा, मतलब आपसे जो जो हार जाएगा डिफेक्ट हो जाएगा उसका भी गाइस यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार बढ़ेगा, मतलब उसका माइनस नहीं होगा जो कि डिफेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 3-3 होना पड़ेगा। और जो जीता हुआ रहता है उसका तो गाइस स्टार पॉइंट वैसे भी बड़ा वही रहता है, मतलब गाइस घटता नहीं है। ऐसा होगा कि भाई सुनो भाई यहाँ पे अगर आपका टीममेट जो है भाई डिफेक्ट हो जाता है मतलब हार जाता है, लेकिन आप जो कि एमवीपी लेके रखे हो तो आपका जो कि माइनस नहीं होगा लेकिन बाकी 3 का जो कि होगा। अपडेट के बाद जो है ना हमारा कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा ही चेंजेस किया जा रहा है और बहुत ही अपग्रेड और नेक्स्ट लेवल कर दिया जा रहा है। यहाँ पे ओलवीरा जो कैरेक्टर है इसके अंदर देखो जैसे मेडिकेट मारोगे तो आपके आसपास जो आपका दोस्त रहेगा फ्रेंड रहेगा उसका भी भाई एचपी, तो ये वाला कैरेक्टर तो गजब कर। उसके अलावा जो हमारा कपिला कैरेक्टर है ये भी गजब कर दिया है, कोई भी गन हो आपका दोस्त को जो कि अगर आपके पास ये कपिला कैरेक्टर है टीममेट के ऊपर कोई भी गन से अगर फायर करोगे तो उसको जो कि एचपी मिलेगा, मतलब मेन गन की तरह वर्क करेगा। और ये दो कैरेक्टर भाई एचपी से रिलेटेड है, अब से जो कि आप लोगों का दोस्त और जो टीममेट है अब से ये नहीं कहेगा अगर आपको पसंद आया तो लाइक ठोक दीजिए, अब भाई लाइक नहीं किए तो लाइक करो, लाइक दिख रहा है ना लाइक करो, उसके लिए बस सब्सक्राइब कर लेना जो भी नहीं है। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे आपको गन स्किन जो है वो पसंद है लेकिन उसका एट्रीब्यूट पसंद नहीं है, लेकिन अब से जो कि ऑप्शन दे देगा इस अपडेट के बाद आप लोग जो कि कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी गन के अंदर यूज़ कर पाओगे, मतलब देख पा रहे हो आप कोई भी गन स्किन के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट लगा सकते हो, सिर्फ वो जो कि मैच स्टेन का ही होना चाहिए भाई, आपके पास ऑलरेडी है लेकिन गन स्किन अलग है एट्रीब्यूट अलग है अब से कर पाओगे, आपके पास वो ऑप्शन रहेगा, ये जो कि अपडेट के बाद देखने को मिलेगा वेपन्स के अंदर ये चेंजेस। उसके अलावा हमारा न्यू वेपन आने वाला है FGL 24, ये जो कि FGL जो 24 है ये गजब होने वाला है, ये जो कि गाइस ऐसे ही फायर करोगे देख पा रहे हो गाइस फायर की तरह जा रहा है ना, ये वॉल तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा और जो एनिमी है गाइस एनिमी भागने की कोशिश करेगा तो नहीं छोड़ेगा, मतलब मिसाइल की तरह है भाई पीछा लग के रहेगा और जो कि एनिमी को डैमेज देता रहेगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस। और ये जो कि गाइस गन जो है ना पावरफुल रहने वाला है। उसके बाद जो हमारा ट्रीटमेंट वाई भी आने वाला है, ट्रीटमेंट वाइन के अंदर जो कि गाइस इंजेक्शन भी रहेगा, इंजेक्शन जैसे अगर डाउन हो जाता है दूर से ही वो बोला अगर दबा देते हो तो ऑटोमेटिक रिवाइव होगा जैसे हमारा इनहेलर वर्क करता है, तो सेम टू सेम। उसके बाद जो हमारा मैच ट्रेन है इसके अंदर जो कि लेवल 3 का चिप लगा सकते हो, मतलब लेवल 3 भी कर देगा भाई चिप हो जाएगा अपग्रेड करने के लिए, देख ही पा रहे हो आप लोग मैच ट्रेन। इसके अलावा कल का प्रीव्यू में आपको बताया था हमारा रैंक वाला जो सेक्शन है इसके अंदर जो कि रिवॉर्ड्स को अपडेट किया जाएगा जिसके अंदर देख पा रहे हो आप लोगों को गाइस ग्लोबल स्किन्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बीआर से अलग सीएस से अलग, तो ये दोनों ही ग्लोबल स्किन्स जो कि मिलता रहेगा और ये जो कि गाइस 30 दिन के लिए मिलता रहेगा, मतलब गाइस रैंक का ही रिवॉर्ड्स है तो ये आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा जो हमारा मिस्ट्री वेपन्स है इसके अंदर और भी अपग्रेड किया जा रहा है, जैसे गाइस आप लोग मैक्स कर लेते थे तो फिर जो कि आप लोग को फायर वाला बटन देखने को मिलता था और यहाँ से जो है हमारा खलास हो जाता था, लेकिन अब से अपडेट जो कि है गाइस और भी आगे कर दिया है, मतलब लेवल 6 तक कर दिया है, जैसे देखो यहाँ पे दबा दोगे तो यहाँ पे देखो लेवल 6, अभी जो कि लेवल 5 है उसके
उसके बाद डायरेक्ट लेवल 6 में जाओगे, इधर जगह जाओगे तो और भी अपग्रेड मतलब नेक्स्ट लेवल का चीज़ें फायरिंग बहुत ज़्यादा ही होगा, ये सब भी बेनिफिट मिलेगा। हमारा अचीवमेंट सेक्शन के अंदर और भी बैनर सब ऐड होने वाला है, एक दो बैनर और जो कि न्यू ऐड होगा हमारा अचीवमेंट सेक्शन के अंदर। ओके तो अब से क्या होगी ना भाई, कोई भी अगर इमोजी भेजता था सेंड करता था वो आपको नहीं दिखा देता किसने सेंड किया है, लेकिन अब से क्या होगा कि भाई यहाँ पे नाम के साथ दिखाएगा कि कौन इमोजी कौन सा भेज रहा है, और यहाँ पे आपका जो कि बहुत सारा यहाँ पे इमोजी भी ऐड किया गया है, और यहाँ पे आपको अगर गाइस ये जो विश लिस्ट के अंदर उसका बंडल सब यहाँ से भी अपना विश लिस्ट के अंदर ऐड कर पाओगे। उसके लिए भाई यहाँ पे देखो हमारा बैकपैक फुल हो जाता था, कभी जो कि कचरा वचरा बहुत सारा जो कि भाई अनवांटेड जो नहीं चाहिए था वो भी गाइस यहाँ पे भर जाता था, लेकिन अब से आप लोगों को लिखाने के लिए बैकपैक खोलना पड़ता था। लेकिन अब से क्या होगा कि भाई देखो जब भी आप लोग लूटने जाओगे अलग से यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ये ड्रॉप करो, तो आप लोग अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, ये ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसके लिए भाई इसके अंदर जो कि हमारा 7th एनर्जी का इंटरफेस दिखाया है, 7th एनर्जी आ रहा है और भी काफ़ी सारा चीज़ें जो आ रहा है वो मैंने कल का वीडियो में भी आप लोगों को 7th एनर्जी का हर एक रिवॉर्ड सब दिखाया है, तो अगर नहीं देखे तो कल का वीडियो जरूर देखना मेरे भाई, बहुत ही अमेजिंग इवेंट्स आ रहा है। तो आई होप लोग आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मेरे भाई लोग अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में। तो नेक्स्ट वेपन रॉयल की अपडेट के दिन ही अपडेट होने वाला है जो कि हमारा 26 जून को। तो यहाँ पे जो हमारा वेपन रॉयल लीगल किया आया है अभी के लिए देख पा रहा हूँ VSS का एक जगह पहला वाला ये वाला देखने मिलेगा, जिसके अंदर एट्रीब्यूट भी ठीक ठाक है। तो भाई यहाँ पे देख पा रहा हूँ एट्रीब्यूट जिसके अंदर भाई यहाँ पे रेंज और जो कि डैमेज जो है ये प्लस में दिया गया है, उसके अलावा भी काफ़ी सारा रिवॉर्ड्स तो रहेगा। ये जो कि फर्स्ट है और भी कुछ लीगल के आ सकता है, गन स्किन्स तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन ये जो कि गाइस लीगल के आया है तो कन्फर्म है। उसके अलावा दूसरा वाला भी लीगल के आया है, ये दोनों में से कोई एक आएगा या फिर तीसरा भी एंट्री हो सकता है, लेकिन वो नहीं है, लेकिन अभी के लिए यही दो है भाई। देख लो ये M40, तो M40 आएगा जिसके अंदर रेंज और जो कि मैगजीन प्लस में है। ठीक है, एट्रीब्यूट उतना कुछ है नहीं, मतलब गाइस देखो मैं यहाँ पे रेंज और जी की मैगजीन ये क्या है भाई, M40 के अंदर कुछ नहीं पड़ता, तो सिर्फ इसके अंदर भाई ये जो डिज़ाइन है ये खतरनाक दिया गया है इफेक्ट के साथ है। तो यही दो गन स्किन्स में जो कि हमारा नेक्स्ट वेपन रेल कन्फर्म है गाइस, तो यही दोनों में से एक जो कि आ जाएगा हमारा वेपन रेल के अंदर। अब उसके अलावा गाइस यहाँ पे जो कि 7th एनर्जी स्पेशल जो कि लीगल के आ चुका है हमारा गोल्ड रेल, तो 7th एनर्जी स्पेशल गोल्ड रेल जो कि आप लोग देख पा रहे हो जिसके अंदर ये वाला जो बंडल है गाइस 5th एनर्जी का बंडल है, तो 5th एनर्जी का ये बंडल देखने मिलेगा। उसके अलावा 5th एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी सारा जो रिवॉर्ड्स है वो देखने को मिलेगा, देख पा रहे हो आप लोग। तो 7th एनर्जी स्पेशल जो गोल्ड रेल एनुअल है इसके अंदर मुझे कि 5th एनर्जी का बंडल और उसका रिवॉर्ड सब रहेगा, तो भाई डायमंड भी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को बताइए इस जो स्पेशल गोल्ड रेल आता है उसके अंदर लक जो है भाई बहुत ही कम रहता है, और आप लोगों को भाई स्पिन मारे जाना पड़ता है फिर जाके निकलता है, और स्पिन में बहुत ज़्यादा गोल्स जो है वो जाता है। तो आप लोग क्या करना भाई, आप लोग कहते हो मेरा सारा कुछ खत्म हो गया लेकिन फिर भी नहीं निकला, तो जिस दिन आता है उस दिन गाइस कम से कम 10 या फिर 20 स्पिन मारो, उससे ज़्यादा मत बना। उसके बाद जो कि हर दिन एक एक करके मारते जाओगे तो आपको मिल जाएगा भाई, क्योंकि 7 दिन के लिए रहेगा, तो 7 दिन के अंदर आप लोग मारोगे तो इजीली निकल जाएगा, एक ही दिन के अंदर क्यों भाई। तो समझ रहे हो ना गाइस, तो ये सारा कुछ जो कि है हमारा इवेंट्स एंड अपडेट। तो आए वे लोग आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो जितनी से वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे लोग वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर जो भी नए है भाई आप लोग सब्सक्राइब का बटन दिखा हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना, मेरे लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करना। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आप लोगों को प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए, तो मैं मिलता हूँ फिर आप लोग।